मधुबनी नरसिंहार मामले को लेकर भी पहले विपक्ष और अब खुद एनडीए गठबंधन के नेताओं ने सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। ताजा मामला बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू से जुड़ा है, जिन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए मधुबनी के चार लोगों की हत्या को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बीजेपी विधायक ने पूरे मामले में सरकार की उदासीनता पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक साथ चार लोगों का हत्या हो जाना ऐसा दर्दनाक घटना है, जिस पर सरकार को तुरंत संज्ञान लेते हुए पीड़ित परिवार के लिए नौकरी और मुआवजे की घोषणा कर देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके साथ ही बीजेपी विधायक ने सरकार को पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए अधिकारियों से इनपुट न लेकर स्थानीय लोगों से जानकारी लेने की सलाह दी। बीजेपी विधायक ने जिले के पुलिस अधीक्षक को निकम्मा बताते हुए उनके तुरंत बर्खास्तगी की भी मांग की। ज्ञानू ने पुलिस का कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अपराधी नरसंहार कर रहे हैं और पुलिस बिहार में शराब ढूंढने में लगी है। सरकार को शराब की जांच के लिए अलग से पुलिस रखनी चाहिए। क्या संबंध था, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो सर, सीधा नाम विनोद नारायण झा का नाम आ रहा है। उनके परिजनों ने आरोप लगाया है कि विनोद नारायण झा का संरक्षण जो है वो प्रवीण झा को था। तो जिसको भी हम बोल ही रहे हैं कि जिसका भी जो भी विधायक हो, जिसका भी संरक्षण हो, उसके पूरी तरह उसकी जांच होनी चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बड़े लोग नहीं, बड़े संरक्षण जो देते हैं, कहीं भी दोष देते होंगे, कोई पॉलिटिशियन है, विधायक हो, मंत्री हो, कोई हो, हम हो या कोई हो, अगर इस तरह क्रिमिनल को संरक्षण देने वाले पर सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही सर, केवल थाना प्रभारी को निलंबित किया गया। एसपी पर कह रहे हैं कि एसपी वहाँ का एसपी भी है, उसी तरह का लोग बताया कि एसपी पढ़ा रहता है, ऐसे ही कोई काम नहीं करता, एसपी निकम्मा है वहाँ का, एसपी पर भी कार्रवाई होना चाहिए, एसपी पर भी कार्रवाई होना चाहिए, उसको एसपी को भी सस्पेंड करना चाहिए, डीएसपी को सस्पेंड करना चाहिए वहाँ का। मुख्यमंत्री भी चुप्पे हैं। मुख्यमंत्री सर, क्या लगता है अधिकारियों की गलत रिपोर्टिंग के कारण बेबस डर खत्म हो गया है? अधिकारी वगैरह से सही जानकारी मिल ही नहीं सकता। आपको जब भी सही जानकारी मिलेगी तो आपको लोकल कार्यकर्ता आपका अप टू डेट रहेगा, उसी से आप सही लोकल जानकारी ले सकते हैं। कार्यकर्ताओं के साथ आपका अगर तालमेल रहेगा, आपका अप्रोच रहेगा, एक दूसरे से ये रहेगा, तो आपको सही जानकारी मिलेगी उससे, कार्यकर्ता से। अफसर लोग तो अपने हिसाब से जानकारी देता है कि अपने बचाव करते हुए या अफसरों को बचाव करते हुए अफसर लोग जानकारी देंगे, इसलिए कभी भी पॉलिटिशियन को अफसर के जानकारी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हम लोग तो सब अफसर लोग क्लोज है, लेकिन हम अफसर हम सब सारा जितना ये है जानकारी हमको मिली है, वहाँ जो गए हैं या लोकल ये लोग हैं उनसे जानकारी मिली है। सुशासन की बहुत दर्दनाक घटना बताइए कि चार गो घर में पाँच गो को मार देना और उसके बच्चे लोग ये लोग, उसने सरकार को तो तुरंत मुआवजा घोषित करना चाहिए, तुरंत नौकरी घोषित करना चाहिए कि नौकरी घोषित करना चाहिए, मुआवजा घोषित करना चाहिए उसको। मगर देखिए, मुख्यमंत्री को बेबस नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है, फुल फ्लेजर मुख्यमंत्री है। ये यहाँ है क्या कि जैसे शराब वाले पर पूछे, शराब वाले में जो थाना पुलिस इन्वॉल्व है शराब में, वो नहीं होना चाहिए। शराब के लिए अलग से एक्साइज का और पुलिस का एक अलग विंग बनाना चाहिए, जो रेड करे पकड़े। थाना एसपी डीएसपी को इससे टोटल अलग कर देना चाहिए, उसका सब अलग होना चाहिए, तभी ये सुधरेगा, नहीं तो क्राइम थाना जो ये और ये जो है उसमें लोग लगे रहते हैं ऊपर से नीचे तक, ये शराब वाले में क्राइम पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्राइम बढ़ते, क्राइम उसके चलते क्राइम बढ़ रहा है, और उसका उसी का परिणाम है कि मधुबनी में नरसंहार की इतनी बड़ी घटनाएं घटी। काफ़ी लंबे समय के बाद नरसंहार की घटना, नरसंहार तो बंद हो गया था टोटल, लेकिन जिस तरह से नरसंहार की घटनाएं घटी वहाँ, एक गरीब राजपूत परिवार को जिस तरह से पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया गया एक तरह से, ये वाले जेंट्स को उसमें पाँच की मृत्यु हो गई, छः पूरी तरह घायल है, और उसमें पुलिस चार घंटे बाद पहुंचती है, पुलिस का इस रोल है, इसका पुलिस की मिली भगत है। एसपी भी वहाँ, एसपी भी है उस तरह का, एसपी भी समझिए कि वहाँ ये टाइप का एसपी है, निकम्मा टाइप का एसपी है, कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं। इतना में तो डीजी और होम सेक्रेटरी को कैंप करना चाहिए था वहाँ बैठ के, ये होता अगर ये किसी ये का होता, बैकवर्ड दलित का होता, तो अब आदमी पूरा होम सेक्रेटरी डीजी और आईजी सब सारे लोग ये करके कैंप करते हैं वहाँ, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहाँ पुलिस एकदम एक तरह से पुलिस का निकम्मापन रहा, वहाँ कोई उस तरह से एक्शन जो होना चाहिए था नहीं हुआ। छः दिन के बाद, सात दिन के बाद छः हो गया तो जब्ती कुर्ती हुआ है उसका ये, और कभी अभी तक एक भी नहीं पकड़ाया। ये तो सब समझे कि दुर्भाग्य है
फिर वहाँ अब उसके पिताजी बोल रहे हैं विधायक का हाथ इसमें, तो उस पर भी जांच होनी चाहिए कि भाजपा के विधायक हो, मेरे पार्टी का हो या कोई विधायक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। विधायक कोई भी अगर गलत काम में कोई भी मर्डर केस में हो तो उस पर भी, उस पर भी जाँच उस पर भी होना चाहिए कि क्या उनका वो जो कौन। फैशनेबल दिखना हर किसी का हक है। अगर आप भी ऐसा ही सोचती हैं, तो चले आइए द रॉयल फैशन, जहां आपको मिलता है खूबसूरत लेडीज गारमेंट्स का ब्यूटीफुल कलेक्शन। द रॉयल फैशन, अ ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ लेडीज गारमेंट्स एंड बुटीक, यूबी टावर ग्राउंड फ्लोर सरियागंज मुजफ्फरपुर, या कॉल करें 8210196723। द रॉयल फैशन, क्योंकि फैशनेबल दिखना हर किसी का हक है।